आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मॉडर्न हाईस्कूल मुंबई के तलबा ने बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया। मौसम खराब होने के बावजूद भी तलबा ने बेहतरीन अंदाज में अपने प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आली जनाब अब्दुल रहमान अंसार साहब से जानते हैं कि प्रोग्राम कैसा रहा, एक खुसूसी मुलाकात। सर, मॉडर्न हाई स्कूल के इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, आपने ऐसे यानी बहुत तकलीफ दे मौसम के अंदर भी आपने इस प्रोग्राम को सर अंजाम दिया, इसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ी कीमत आपने अदा की है, ख़ास करके बच्चों के लिए। और मेरी हमेशा नज़र रहती है कि आप क्या क्या करते हैं, मैं हमेशा मॉनिटरिंग करते रहता हूँ। और इसी के अंदर मैंने ये सोच के रखा कि आप की जैसी शख्सियतें जो हैं इस मॉडर्न हाई स्कूल के लिए मिली है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। और जिस फिक्र से आप बच्चों की मेहनत कर रहे हैं, ये काबिले लाजवाब है। बस इसी तरह से करते रहें और यही आखिरत की भी पूंजी है। और सबसे ही मिल के आप रहते हैं, आपके अखलाक और तहजीब तमद्दुन मैं देख रहा हूँ क्या एक तारीफ़ काबिल है। तो इसी तरह से आप बच्चों की खिदमत करते रहे, अल्लाह तबारक तआला आपको कामयाबी से हमकिनार कर दे और बच्चों के मुस्तकबिल हमेशा खुशगवार और अच्छी तरह से। सर, मॉडर्न हाई स्कूल के बच्चों को आप कई सालों से जानते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम तो यही देना चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को हमेशा इस तरह से बनाएं कि जिससे दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। ये इम्पोर्टेंट है। इंसान जिंदगी के चार दिन के लिए आते हैं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरे रहते हैं, और हर एक को मौत का मजा चखना है। और इससे लाइफ को किस तरह से आगे लेके जाना है, ये सबक आमोज जो आप जिस तरह से जिस तरतीब से बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और इसी तरह से करते रहे और उनकी आखिरत भी बनाए, दुनिया भी बनाए। और सबसे हिम्मत कर रहने की कोशिश करना चाहिए, बच्चों को तंगिया ना बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।